नहीं, इसका नाम याद रखा करो, जहां याद आए इस हरामजादे पे लानत किया करो। बहुत बड़ा जुल्म किया इसने। हारून ने जलूदी को बुलाया, लश्कर साथ ले लो, असीर बगदाद के मकान पे धावा बोलो, घेरे में ले लो। अब आगे तुम्हारा दिल फाड़ देने वाली बात है, लफ्जों का मैजा मिनू, हाथ जोड़ रखे हैं, तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूं, चोट ज्यादा लगे तो माफ कर देना। हरामी कहता है पर्दा कहने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं शायद इससे ज्यादा मसायब ना सुना सकूं तुम्हें। कहता है इस अंदाज में शब खून मारो, अल्लाह अकबर, जिस दरवाजे पे रसूल रुक जाया करता था वो हद अबूर कर लेना। फिर और मूसा काजम कहलो आयाल की चादरें लूट लेना, सिवाय बदन के कपड़ों के, जेवर कपड़ा कोई चीज बाकी नहीं रखना। मुल्तान वालों, अपनी माओ बहनों में तेरा मौला रिजा बैठा है। अचानक मदीने की गलियां घोड़े की टापों से गूंजने लगी। हस्बी अल्लाह कह के हथेलियां टेक के मेरा इमाम उठे, पापोश पाओ में नहीं डाली मौला ने, जल्दी से नंगे पाओ दौड़ के आए। फौज ने मकान घेरे में ले रखा है, जलूदी क्यों आए हो? हरामी कहते आगे से हट जा, घर लूटना है। कहा हया कर, यहां तो जिब्रील रुक जाता था, जिब्रील इस घर में बगैर इजाजत के नहीं आता था। नहीं, मुझे हुक्म है लूटे बिना नहीं छोड़ना। कहा अच्छा, अगर लूटना इतना ही जरूरी है, मेरी बेपर्दगी ना कर, मैं अपनी माओ बहनों के जेवर खुद उतार के, उनके पार चात खुद ला के तुम्हें देता हूं। बस मैं मजलिस छोड़ने लगा हूं, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है। ये मलून कहते हैं अगर तूने कुछ बाकी रख लिया, रसूल की कब्र की तरफ इशारा करके मेरे मौला रिजा ने कहा, मुझे नाना की तुर्बत की कसम, मुझे मोहम्मद की कब्र की कसम, सिवाय बदन के कपड़ों के कुछ नहीं बाकी रखूंगा। अब अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे, सबसे पहले कौम वाली बहन के गोशवारे उतारे, माओ के कंगन उतारे, वेवर उतारे, और जन्नतुल बकिया की तरफ देकर कहा, दादा सज्जाद, तेरी बहन का जहेज शिमर ने लूटा था, आ जरा रिजा की गुर्बत देख, मैं अपनी बहनों के गोशवारे खुद उतार रहा हूं। منظور مالیان کی مسائل کو شفق مومنین مومنات کی شرک و بدل صاحب ہماری نیون بھی اولاد اولاد نری انتاف نی مگر اور تنگ دستم کی تنگ دست نی وی گنا پای ہر ہے ایت نی وی مومنین مومنات کے جو حاجات و قرارات شریعت کے نزدیک جاتے ہیں پورے فرمایا ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته